मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पाव चिकन गार्लिक ब्रेड बनाना बता रही हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को यह रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए हम चलते हैं किचन में बनाने के प्रोसेसिंग में। आज हम पाव गार्लिक चिकन बनाने जा रहे हैं। उसकी सामग्री है हमारी, ये हमारा पाव, ये कुछ चिकन के बोनलेस टुकड़े, ये हमारा गार्लिक है और हरी मिर्च है और प्याज के कुछ टुकड़े हैं, ये हमारा टमाटो, टमाटो सॉस, और ये हमारा गार्लिक और जिंजर का जो एक पेस्ट बनाकर तेल में फ्राई करके मैंने रखा है, और बाकी ये सब मसाले हैं हमारे, ये हमारा वेनेगर और ये बटर। अब हम चलते हैं चिकन के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे हम पैन में अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। एक पैन लिया है मैंने, उसमें ये थोड़ा सा तेल डालकर मैंने उसे गर्म कर लिया है। अब जो चिकन के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं मैंने, उसे इस तरीके से डालकर हम फ्राई करेंगे। उसमें हम थोड़ा सा वेनेगर डालेंगे। गोल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। इसे हम अच्छे से इस तरीके से नहरा होने तक हम इसे इस तरीके से भून भून कर पकाएंगे। अब हम इसमें गार्लिक और जिंजर का जो पेस्ट फ्राई करके रखा है, इस तरीके से हम इसमें मिला देंगे और इसे ढककर कम से कम 5 मिनट तक पकाएंगे। ये अच्छी तरह से पक जाना चाहिए। देखिए, पाव को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। अब हम इस पर सॉस अप्लाई करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद एक गार्लिक के कुछ टुकड़े, फिर ये थोड़ी सी हरी मिर्च, ये मैंने प्याज डाल दिया है, उसके बाद ये टमाटोज के टुकड़े, उसके बाद चिकन को जो मैंने पीसेस में करके फ्राई किया था वह इस प्रकार से इसके ऊपर हम डाल देंगे। इस तरीके से इस शिमला मिर्च के कुछ टुकड़े मैंने इस तरीके से फ्राई करके रखे थे, वह इस प्रकार से हम डाल देंगे। फिर उसके ऊपर से ये टमाटर, फिर ये गार्लिक के कुछ टुकड़े डालकर हम इसे अब पैकअप कर देंगे और इसे हम बटर के साथ फ्राई करेंगे। जिसमें हमने चिकन के क्यूब्स करके उन्हें फ्राई किए थे, उसमें हम इस प्रकार से बटर डाल देंगे। बटर डालने के बाद जिस पाव की मैंने स्टफिंग की थी उसे इस प्रकार से बटर में डालकर हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। अच्छे से बटर और ऊपर से भी लगा लगा कर आप दोनों तरफ से पलट पलट कर सेक लें। दोस्तों देखिए, हमारा
पाव चिकन गार्लिक बनकर रेडी है। आप इसे छाछ के साथ, थोड़ा सा चिकन फ्राई करके किसी के भी साथ खा सकते हैं। मैंने तो आज थोड़ा सा चिली बनाया है। इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दे दूंगी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।